नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन। छठ बाद वापसी के लिए बिहार से कई स्पेशल ट्रेनें। छठ पर अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पहली बार गया जी रबर डैम पर अर्घ देंगे छठ व्रती। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बेस्ट 5 मैचों का किया चयन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन। रविवार यानी कि आज लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन है। बीते दिन खरना पूजा के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। वहीं आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ देंगे। बताते चले कि छठ घाट पर अर्घ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए कई व्रती गंगा तट पर पहुँचते हैं तो कई लोग अपने घरों के छठ पर ही अर्घ देते हैं। छठ बाद वापसी के लिए बिहार से कई स्पेशल ट्रेनें। बिहार से छठ महापर्व के बाद वापसी के लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए निम्नानुसार पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 अक्टूबर से दानापुर, समस्तीपुर, रक्सौल से खुलेगी, जो कि 13 नवम्बर तक चलेगी। बता दें कि रेलवे के द्वारा इन ट्रेनों का परिचालन इसलिए किया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों का यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो। पहली बार गया जी रबर डैम पर अर्घ देंगे छठ व्रती। गया शहर के विष्णुपद के देवघाट पर स्थित गया जी रबर डैम में पहली बार छठ व्रती सूर्य को अर्घ देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा छठ व्रतियों के स्वागत के लिए इस स्थल को आकर्षक बनाया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि सूर्योपासना का 4 दिन चलने वाले महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ था, जहां बीते दिन शनिवार को शाम में खरना का अनुष्ठान हुआ और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। यात्री सुविधा एवं सुरक्षा पर रेलवे का जोर। छठ महापर्व के दौरान रेल और रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों की खचाखच भीड़ उमड़ रही है। हालांकि देश के विभिन्न स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में आने या जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व मध्य रेल द्वारा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे की ओर से पटना समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे, बैंगलोर आदि स्टेशनों के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे हैं। पटना जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। ट्रेनों के आवागमन की निरंतर उद्घोषणा की जा रही है। इसके लिए मेगा माइक भी उपयोग में लाया जा रहा है। चिकित्सा मदद के लिए चिकित्सा सहायता बूथ भी बनाए गए हैं। बिहार के जेलों में करीब 1000 कैदी कर रहे हैं छठ पूजा। बिहार के अलग अलग जेलों में 838 कैदी इस बार छठ व्रत कर रहे हैं। उनमें 476 पुरुष और 361 महिला कैदी शामिल है। छठी मैया की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भागलपुर की जेलों में अनुष्ठान करने वाले बंदियों में 4 मुसलमान हैं, उनमें एक पुरुष के साथ 3 महिलाएं शामिल हैं। छठ करने वाले सर्वाधिक बंदी मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में हैं। यहां 169 बंदियों में 78 पुरुष और 91 महिला शामिल हैं। दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। यहाँ 117 बंदियों में 73 पुरुष और 44 महिला शामिल हैं। मोतिहारी केंद्रीय कारा में 112 बंदी छठ कर रहे हैं, इनमें 67 महिला और 45 पुरुष हैं। दरभंगा में 85 बंदियों ने छठ का व्रत संकल्प लिया है, इसमें 36 पुरुष और 49 महिला शामिल हैं। छठ पर अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कुर्जी से लेकर पटना सिटी तक 16 प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधाएं मुहैया कराया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि छठ में आए श्रद्धालुओं का निःशुल्क इलाज किया जाए। घाट पर एम्बुलेंस के साथ 100 डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है। इसके अलावा ICIMS और PMCH में श्रद्धालुओं के लिए 20 और 25 बेड रिजर्व किए गए हैं। पंकज त्रिपाठी की सफलता में छठ का खास योगदान। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी छठ पर्व को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह हर साल छठ के मौके पर अपने घर बिहार जरूर जाते थे। पंकज त्रिपाठी ने एक न्यूज़पेपर से खास बातचीत में कहा कि छठ पूजा से जुड़ी अपने बचपन की बातों को उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा ने उन्हें फलने फूलने में काफ़ी मदद की है। वह समय बहुत अच्छा था और मेरे पास कुछ प्यारी यादें हैं। छठ पूजा के दौरान हम नए कपड़ों और उत्सव का इंतजार करते थे और दर्जी को याद दिलाता था कि हमारे कपड़े जल्दी सिलें। मुस्लिमों ने छठ पूजा सामग्री किया वितरित। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में मुस्लिमों के द्वारा छठ पूजा को लेकर पूजा की सामग्री बांटी गई। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें धर्म जाति का पता नहीं चलता है। इसमें सभी का सिर्फ आस्था जुड़ा होता है और यही कारण है कि हम अपनी आस्था को दिखाते हुए पूजा सामग्री का वितरण करते हैं। वहीं छठ व्रतियों ने भी मुसलमान भाइयों को छठ की शुभकामनाएँ दी। मुस्लिमों के द्वारा
उठाए गए इस कदम से एकता की मिसाल देखने को मिलती है। पटना के इन मुख्य रोड पर वाहनों की रहेगी नो एंट्री। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा को लेकर कई मुख्य रोड पर वाहनों की रहेगी नो एंट्री। बता दें कि कारगिल चौक से अशोक राजपथ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे, वहीं अशोक राजपथ के सभी संपर्क पथ खुले रहेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ छठ श्रद्धालुओं के वाहन ही आ सकेंगे। इसके साथ ही अशोक राजपथ के हर गली और नुक्कड़ पर दो दो ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रद्धालु बच्चों के पॉकेट में नाम, नंबर और पता लिखकर डालें, ताकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी लोग बच्चे की गुमशुदगी की सूचना परिवार को दे सके। पटना डीएम का बड़ा एक्शन। बिहार की राजधानी पटना के डीएम के द्वारा उन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है जो पटना के छठ घाटों पर निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे। इन अधिकारियों में 26 मजिस्ट्रेट शामिल हैं, जिनमें डीएम के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है और तब तक उनकी सैलरी को रोकने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के अन्य प्रदेशों से बिहार आने वाले लोगों को रेल में होने वाली असुविधा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि छठ पर्व पर भी केंद्र अपनी ठगी से बाज नहीं आ रहा है। राजधानी का किराया लेकर साधारण ट्रेन से यात्रा कराई जा रही है, ट्रेनों में कुव्यवस्था और गंदगी का साम्राज्य है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन शनिवार को ट्वीट में दरभंगा के एक यात्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का वीडियो शेयर कर लिखा कि विश्वविख्यात पर्व के अवसर पर भाड़ा के नाम पर बिहार के लोगों को लूटा जा रहा है। बीजेपी ने कसा सीएम नीतीश पर तंज। देशभर के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बिहार के अशंकालिक मुख्यमंत्री और पूर्णकालिक गृह मंत्री नीतीश कुमार देशभर के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल होने क्यों नहीं गए। इस तरह का अनुभव निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक बेहतर गृह मंत्री बनने में मदद करेगा। तेजस्वी का खेल बिगाड़ने गोपालगंज आएंगे जूनियर ओवैसी। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर ओवैसी के छोटे भाई और AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी जल्द ही अब्दुल सलाम के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गोपालगंज आ सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टी ने अपना झंडा गाड़ AIMIM ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया था। वहीं अब गोपालगंज में भी सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी संख्या 65,000 के आसपास है और यही वजह है कि AIMIM ने इस चुनाव में रखा है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बेस्ट 5 मैचों का किया चयन। T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेले जा चुके मैच में ICC ने इस टूर्नामेंट के अब तक के टॉप 5 मैचों का चयन किया है। इसमें भारत और पाकिस्तान के मैच को पहला स्थान दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने बाबर आजम की पाकिस्तान को 4 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जिम्बाब्वे, तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया मैच, चौथे नंबर पर UAE और नीदरलैंड के मुकाबले और पांचवें नंबर पर UAE और नामीबिया का मुकाबला शामिल है। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार के कई जिलों में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। पटना, गया, दरभंगा, बेगूसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर और बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल रविवार को महंगा हो गया। राजधानी पटना में रविवार को पेट्रोल के भाव में 88 पैसे और डीजल में 82 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया। गया में पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के रेट में 11 पैसे और डीजल में 10 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। पूर्णिया में पेट्रोल 9 पैसे और डीजल 8 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ। साथ ही कटिहार, मुंगेर, सासाराम, सुपौल और हाजीपुर में भी तेल के दाम घटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार, राज, मंतोष कुमार महतो, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रविशंकर, प्रियंका, अनवर करीम खान, उदल पासवान, भीम कुमार गुप्ता, सोमदेव वर्मा, निवल कुमार, विकास कुमार और राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज के इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका यानी कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।